नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। धार, कोरोना महामारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने 23 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की थी और चार बार लॉकडाउन को बढ़ाते हुए 2 महीने 5 दिन तक लगातार बाजार बंद रहे और आज लॉकडाउन को शिथिल करते हुए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की छूट दी गई और शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। रात्रि में बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश अनुरूप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए छूट दी गई है। आज सुबह 8 बजे से बाजार में व्यापारियों ने दुकानों को खोला, किंतु जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश व्यापारियों को दिए गए थे। दोपहिया वाहनों पर 2 या 2 से अधिक सवारी भी आना जाना कर रहे हैं। विगत 2 महीने से प्रशासन आम नागरिकों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करवा रहा था। अब जीवन भर लॉकडाउन के नियमों के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे समाज व आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज लॉकडाउन खुला है। शासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों को सामान दिया जा रहा है। जो ग्राहक मास्क लगाकर आ रहा है उसे ही सामान दिया जा रहा है और सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। आपका समय समय 2 महीने बाद आज पूरे शासन ने जो ये छूट दी है, इससे पूरे व्यापारी वर्ग में एक बहुत अच्छा उत्साह है। साथ ही हमको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन रखना है, क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और इस हिसाब से ही पूरे व्यापारी वर्ग अपनी अपनी व्यवस्था में रहेंगे और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी शासन के जितने भी आदेश है उसको पालन करते ही हम सोच रहे हैं। इसके हिसाब से ही व्यवस्था रखी जाए दुकानों पर। व्यापारियों ने भी अपने आप में बहुत संयम रखा है, प्रशासन का बहुत साथ दिया है। आज पूरे 2 महीने तक व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी, जो इस कोरोना महामारी में सहयोग दिया है वो बहुत बड़ी बात है। और अब उत्साह के साथ आज 2 महीने बाद व्यापारी वापस अपने प्रतिष्ठानों पर आए हैं, उसे खोलेंगे और एक नए रूप से पूरा चलाएंगे। आपका नाम बताइए। चिराग जोशी। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।